हेलो दोस्तों, तो आज मैं किचन के एकदम नए टिप्स लेके आई हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपके समय की भी बचत होगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है टिप नंबर वन। जो स्टील के बर्तन होते हैं उनको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ करते रहते हैं तो उनमें बीच में कालापन आ जाते हैं और वो डेली डेली हम जल्दी जल्दी साफ़ कर देते हैं तो वो कालापन ठीक से हट नहीं पाता। कढ़ाई को साफ़ करने के लिए एक आसान सी ट्रिक है। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे तो आपकी कढ़ाई एकदम चमक जाएगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले लिया है। आप चाहें तो पूरी कढ़ाई भर के भी पानी ले सकते हैं, पर मैंने आधी कढ़ाई पानी लिया है और इसको हम गरम होने देंगे। अब हमारा पानी थोड़ा सा गरम हो गया है तो हम इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, या आपके पास नींबू के छिलके पड़े हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो नींबू के छिलकों को आप थोड़े से ज़्यादा स्टोर करके रख लें और इस तरीके से आप डाल दें। तो मैंने थोड़े से ही डाले हैं, आप इसमें ज़्यादा नींबू के छिलके भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नींबू या नींबू के छिलके नहीं हैं तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर से भी हमारी कढ़ाई एकदम चमक जाएगी। जब हमारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसको इस तरीके से फैला देंगे, हम ऊपर तक करेंगे जिससे कि हमारी कढ़ाई ऊपर से भी साफ़ हो जाए। अगर आपने पूरा पानी भरा हुआ है कढ़ाई में तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट तक आप चम्मच से इस तरीके से साफ़ करते रहें। जब ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी गर्म हो जाए उसके बाद आप पानी फेंक दें। पानी फेंकने के बाद आप कढ़ाई को तुरंत ही साफ़ करें और इसको ठंडा ना होने दें और इसमें थोड़ा सा पानी बचा के रखें जो हम यूज़ करते रहेंगे। कढ़ाई साफ़ करने के लिए हमने जो बर्तनों के लिए जो लोहे वाला गुंजा होता है वो लिया है और डिशवॉश लिया है और इस तरीके से थोड़ा घिस दें। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये फटाफट साफ़ हो जाता है। तो हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है, अब हम इसको पानी से धो लेंगे। तो अब हमारी कढ़ाई साफ़ हो गई है। तो आप इस तरीके से कढ़ाई साफ़ करते हैं, या आपके पास स्टील का कुकर है या फिर जो भी आपके पास स्टील के बर्तन हैं वो आप इस तरीके से साफ़ कर लें। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। कभी कभी हमारा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर काफ़ी दिन तक रखा रहता है और उसके रैपर भी निकल जाता है जिसमें डेट लिखी रहती है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि इसकी डेट निकल गई या अभी इसकी डेट है। तो इसको कैसे चेक करें कि ये हमारा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर सही है या नहीं? अगर आपके बेकिंग पाउडर की डेट निकल गई है और उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डिश अच्छे से नहीं बनेगी। जैसे केक बनाया और आपने उसमें डाला है तो आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। तो ध्यान रहे कि पानी को गर्म होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वो हम इसमें डालेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे बबल्स बन गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम बेकिंग पाउडर को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा बेकिंग पाउडर अभी ख़राब नहीं हुआ, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। ये टिप भी काफ़ी यूज़फुल है। जब भी आप चीनी पाउडर बना रहे हैं तो आप उतना ही बनाएं जितना आपको यूज़ करना है, या थोड़ा सा बनाकर आप रख सकते हैं किसी डब्बे में। अगर आपने चीनी का ज़्यादा पाउडर बना लिया और आपका पाउडर यूज़ नहीं हो रहा तो आपका पाउडर एकदम जम जाएगा और ये पत्थर जैसा बन जाएगा और जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी उसको निकालने में। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जितना ही यूज़ करना है उतना आप बनाएं और उसको यूज़ करें, या थोड़ा सा छोटी सी डिब्बी में आप बना के रख भी सकते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ इसी तरह इस छोटी सी डिब्बी में बना कर रख देती हूँ, जिससे कि हमारा पाउडर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और ये काफ़ी टाइम तक नहीं रखा रहेगा। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये टिप काफ़ी हेल्दी है। आज मैं आपको एक हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। ये झटपट बन जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आज मैं आपको मूंग दाल के चीले बनाकर बताने वाली हूँ, वो भी छिलके वाली। मूंग दाल को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब हमारी मूंग दाल भीग गई है, अब हम इसको पीस लेंगे।
तो मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप एक घंटे में भी भिगोकर इसका चीला बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसका पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म होना चाहिए और उसमें आप अपनी मूंग दाल भिगो के रखें, तो एक घंटे में ही आपकी मूंग दाल अच्छे से फूल जाएगी और आप उसके बाद आप उसको पीस लें। तो इसमें मैंने दो हरी मिर्च डाली हैं, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसकी लिड बंद करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं हमारे कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। इसमें आप लाल मिर्च पाउडर या दूसरे मसाले कोई और डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे हरा धनिया भी बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं, उससे भी हमारे चीले का बहुत अच्छा टेस्ट आने लगता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी देख लें कि मीडियम होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। तो अब हमारे चीले का पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, अभी हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही होनी चाहिए। तो अब हम इसका चीला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, नॉन स्टिक है, आप चाहें तो नॉर्मल पैन भी ले सकते हैं। उसमें तवे को गर्म करके या पैन को गर्म करके आप उसमें ऑयल से इस तरीके से ग्रीस कर लें। तो मैंने नॉनस्टिक पैन को भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। एक प्याज का टुकड़ा लिया था, उससे हमने ग्रीस कर लिया है। तो अब तवे पर हम बैटर डालेंगे 2 से 3 चम्मच और उसको इस तरीके से फैला देंगे। तो हमें बीच से शुरू करना है फैलाना और उसके बाद लास्ट तक हम इस तरीके से फैला देंगे। और इसको हमें स्लो फ्लेम पर पकाना है। इसको पकाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और आप इसको स्लो फ्लेम पर ही रखें। जब ये इस तरीके से सूख जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। ये बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप निकाल रहे हैं तो हल्का सा नीचे से ब्राउन हो जाए। और दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसको फिर से पलटा देंगे जिससे कि ये नीचे की साइड से अच्छे से क्रंची हो जाए। तो इसको 1 से 2 मिनट तक और पकने दें। तब हमारा चीला बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारी बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है। ये वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करती है। आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, या चटनी के साथ खा सकते हैं, या अचार के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसका कभी कभी ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।